बिहार के कटिहार में विद्यालय के प्रधानाचार्य के दावेदारी पर विद्यालय में ही दो शिक्षकों के बीच हुआ दंगल। कुर्सी की लड़ाई पर दोनों दावेदार शिक्षकों ने एक दूसरे पर तोड़ डाली कुर्सी। घंटों तक विद्यालय में चलता रहा घमासान प्रधानाचार्य नीलम की आयोजित विदाई समारोह के दौरान। विद्यालय में प्रधानाचार्य के लिए वरीयता पर सौंपी जा रही थी प्रधानाचार्य की कुर्सी। शिक्षक सुमन कुमार यादव का विरोध कर रहा था शिक्षक मृत्युंजय कुमार यादव। यादव दावेदार शिक्षकों के एक दूसरे के परिजन भी विद्यालय में ही रहे दंगल में शामिल। स्थानीय सूचना पर पहुंची बरारी थाना पुलिस। दोनों शिक्षकों ने एक दूसरे पर दर्ज कराई प्राथमिकी। बरारी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुड़िया की घटना। प्रधानाध्यापिका ने कहा शिक्षक मृत्युंजय कुमार यादव पूर्व से ही विवादों से हैं घिरे। विदाई समारोह के दौरान प्रभार को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ किया है दुर्व्यवहार। दोनों शिक्षक दावेदारी पर उलझ गए आपस में। विदाई समारोह का विरोधी था, हम लोगों को आभास नहीं। विरोधी जो शिक्षक था आपको क्या नाम है उसका? श्री मृत्युंजय कुमार यादव बोला जा रहा है जी। तो हम लोगों को इस बात का, इस माहौल की जानकारी नहीं थी, हमें जानकारी नहीं दी गई थी कि विदाई समारोह किस ढंग से होगा। सारे शिक्षकगण ही इनका जो है अरेंजमेंट किए हुए थे। हमको प्रभार देना था और करना था और मेरी कोई मंशा नहीं थी। मुझे तो आज जाना था विद्यालय से। अंतिम अंतिम इस तरह की घटना हुई, बहुत दुखी, क्या दुख की बात है? हाँ, बहुत दुख की बात है। कितना दिन सेवा दिए विद्यालय में, क्या है कि कितना दिन सेवा दिए? 9 साल यहाँ HM पद पर सेवा दिए। तो उनका तो कहना है कि साजिश के द्वारा हमारे साथ में ऐसा किया गया जी। नहीं, उनका कहना हम लोग क्या साजिश करेंगे सर, सोचने वाली बात है। उनका कहना था कि जो है बढ़िया शिक्षक में हम आते हैं इस विद्यालय में और निमान उनको प्रभार हमको मिलना चाहिए, प्रभार किसी दूसरे को मतलब जो है आपके माध्यम से दिया गया है, क्या ये इसमें क्या सच्चाई है? जी सर, यहाँ BO साहब आए हुए थे और जिनको बढ़िए कहा जाए उन्हीं को ना प्रभार दिया जाएगा। ऊपर से आज असेंबली क्वेश्चन शायद कुछ ऐसे ही हुआ है, जो बढ़िया हैं उन्हीं को प्रभार दिया जाए जी। अभी किनको प्रभार मिला है? अजीत कुमार जी। क्या वो बड़ी शिक्षक हैं अभी? जी जी, TT हैं वो। TT को ही अभी बड़ी माना गया है। अच्छा अच्छा, TT से जो आए हैं उन्हीं को बड़ी माना गया है, स्नातक ग्रेड में। अच्छा, स्नातक ग्रेड में जी जी। ये बोला हम भी BSc किए हुए हैं, उससे ज़्यादा योग्यता मेरा है। हम वो क्या किए हैं इसी के लिए विभाग जो है BO साहब जो है पदस्थापना भी बढ़नी मांगे यहाँ। अच्छा अच्छा, और बनवाने लगे पदस्थापना भी बनी, उसी में वो हल्ला गुल्ला BO साहब को गाली गलौज करने लगे। आदमी सब उसको बाहर निकाला और उनकी आदत है, ये आदत एक बार नहीं, और शशिकला थी BO मैडम उस समय भी ये घटना हुई थी। ये घुलट जाते हैं, पलट जाते हैं, हमको गिरा दिया, मार दिया, चोट लग गई। पूर्व से भी कुछ क्या आप लोग के बीच कुछ था इस तरह का क्या जो? हमारे साथ अगर कोई घटना होती थी तो मैडम आती थी। आपके परिचय जी? आपका परिचय? मेरा परिचय कुमारी नीलम, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुड़िया बकीपुर HM। उक्त मामले को लेकर बताया जाता है कि प्रधानाध्यापिका नीलम कुमारी के विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निरंजन कुमार चौधरी भी मौजूद थे। विदाई समारोह संपन्न होने के बाद प्रधानाध्यापिका का पद बड़े शिक्षक को देने की बात चल रही थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कि एक शिक्षक मृत्युंजय कुमार यादव मारपीट में जख्मी होने का नजारा दिखाया गया। यहाँ भी बड़ी बोले हाँ सर, हम 2003 से ही शिक्षा मित्र में कार्यरत हूँ, बढ़िया में होंगे। इसी पर अर्जुन यादव का बेटा का नाम भूल रहे हैं क्या है? वह जो है तू मैं करने लगा हमसे। हम बोले बाबू तुम क्यों बोलते हो, यहाँ शिक्षक सब है, तुम्हारा अधिकार बोलने का नहीं है। उन्होंने कार्यालय से घींच करके सभी के सामने BO शिक्षक के सामने
जैसे गेंद कौन मारा कौन मारा हाँ क्या नाम है उसका प्रियांशु शेखर अर्जुन यादव स्वर्गीय अर्जुन यादव पिता और सारा माहौल तैयार करना कुमारी नीलम का है सर। और उन्होंने गेंद की तरह हम कमजोर आदमी उठा के पटक दिया सीढ़ी के पास और मोटरसाइकिल भी गिरा दिया सर। और किसी बात का धक्का नहीं है, शुरू से ही मैडम हमको गाली गलौज बहुत बार हमसे मारपीट चप्पल खोलने के लिए दौड़ा है। इसका अभी बड़ी शिक्षक कौन है जी? अभी अभी चार्ज में अजीत कुमार को दिया गया। वही विद्यालय में होते दंगल को देख प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय से भाग खड़े बताए गए, जबकि स्थानीय लोगों के द्वारा बरारी थानाध्यक्ष को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ने गश्ती में गए पुलिस पदाधिकारी को घटनास्थल पर भेजा। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।